वही कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच कर गया है। इस बात की जानकारी एसपी अमित कुमार आनंद ने दी है। पुलिस ने इस मामले में सपा नेता नवाब सिंह यादव को 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के आरोप के बाद नवाब सिंह का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। डीएनए जांच में फंसे नवाब सिंह यादव, डीएनए जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जांच रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की हुई पुष्टि। रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई जाएंगी धाराएं। कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में फंसे नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले में एक नया खुलासा हुआ है। रेप के आरोपी पूर्व एसपी नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच कर गया है। पीड़िता लड़की की ओर से लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में नवाब सिंह यादव को 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के आरोप के बाद नवाब सिंह का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है, जिससे नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। उप प्रकरण में घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीएनए जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद साफ हो गया कि नाबालिग से रेप के केस में नवाब सिंह यादव दोषी हैं। ऐसे में तय हो गया है कि पूर्व एसपी नेता की मुश्किलें और बढ़ेंगी। पुलिस अब इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर केस की धाराओं को बढ़ा सकती है। कोर्ट में भी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हो सकता है। नवाब सिंह की डीएनए जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एपी ने समाजवादी पार्टी पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने अखिलेश यादव से जनता से माफी मांगने की मांग की। अखिलेश यादव जी, कृपया बताने का कष्ट करें, जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी को अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? फिलहाल कन्नौज रेप केस को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। एक तरफ पूर्व एसपी नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली है, इससे समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा देने से भारतीय जनता पार्टी के न पाप छुप जाएंगे न जन विरोधी काम छुप पाएंगे। लाल टोपी संघर्ष की निशानी है, लाल टोपी समाजवादियों की निशानी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मसले पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। टीम न्यूज़ स्टेट।